जय बजरंग बल भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाइयों। तो स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच 1K सब्सक्राइबर के लिए, आपका सपोर्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो सीन पेन के लिए, जो कई बच्चे जो रनिंग करते हैं या फिर जंप नहीं कर पाते हैं या फिर हाई जंप नहीं कर पाते हैं, कई बच्चों को दिक्कत होती है, सीन पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, दोनों पैरों में दिक्कत होती है, तो इस चीज़ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं या फिर कैसे आराम ला सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज है और कुछ ट्रीटमेंट हैं जो मैंने अपने लिए, जब मुझे दिक्कत होती थी, जो मैंने करा था वही मैं आपको अपना बताने वाला हूँ एक्सपीरियंस। तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं उसे, और देखा मैं कई बच्चे देखते हैं एकदम से आते हैं, लोड बढ़ा देते हैं अपनी बॉडी पर, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका सीन पेन बहुत सेफ रहेगा और आपको जो दिक्कत है वो दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी आराम मिल जाएगा आपको। आपने देखा है कई सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर जिसमें बर्फ की सिकाई है, बर्फ की सिकाई है, बर्फ की सिकाई कर सकते हो आप, या फिर वो एक ऑयल है, ऑयल में बता दूंगा कौन सा है, कैसे बनाते हैं उसे, तो वो उसकी भी आप सिकाई कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप देखिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। मेरी भी यही चीज़ें, मैं भी सेम यही चीज़ें करता हूँ। जो मुझे देखो, जब हमने शुरुआत करी थी, मैंने शुरुआत करी थी, तो मुझे भी सीन पेन हुआ था। सीन पेन एथलीट या फिर कोई जंप जो रनिंग करते हैं या फिजिकल की तैयारी कर रहे बच्चे, उनको सीन पेन होना कंपलसरी है, होता ही होता है। क्योंकि देखिए, कई दिनों बाद हम फिजिकल की तैयारी करते हैं, एकदम से लोड बढ़ता जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर लोड बढ़ेगा तो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है यहीं दिक्कत आएगी। तो यहीं पर ही आपकी जो है दिक्कत आने से आपको दिक्कत हो सकती है, ना जंप हो पाती है, ना रनिंग हो पाती है आपकी, ना अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पाता और बहुत डिस्टरबेंस होते हैं। तो दोस्तों जब ये भी टी शर्ट एक्सरसाइज है, शुरू कर, भी हम प्रैक्टिस करने आते हैं या फिर सुबह की ट्रेनिंग हो या शाम की ट्रेनिंग हो, तो कई बच्चे जो अपने साथ टी शर्ट लाते हैं चेंज करने के लिए, वो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो पसीने से छुटकारा पाने के लिए एक टी शर्ट ही है, तो टी शर्ट से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखिए आप ऐसे बिछाइए इसको, जिस पैर में आपको ज़्यादा दर्द हो रहा हो उस पैर को यहाँ रखिए और अपने अंगूठे से इस वाले से सिर्फ ऐसे खींचना है, ये करनी है, ये चीज़ इकट्ठा करना है आपको, इकट्ठा करते रहिए। इससे आपको ये जो आपके जो सीन पेन का जो एरिया है ये वाला पूरा, इससे काफी आराम मिलेगा और आपका स्ट्रांग भी होते जाएगा धीरे धीरे। आप ये करते रहेंगे तो आपका पैर भी अच्छा हो जाएगा और आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका जो लेग है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपकी जंप वर्कआउट रुकेगा नहीं और आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी कर लीजिए ऐसे इकट्ठा, कम से कम आप 2 से 3 बार करिएगा ये, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोनों पैरों से। आपके पास टी शर्ट नहीं है तो कोई कपड़ा होगा घर में, देखते हैं, या फिर तौलिया वगैरह होते हैं आपके, वो यूज कर सकते हैं आप, तो ये जरूरी है। ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, काफी रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो ये कर लेंगे, 2-3 बार आप करिएगा इस टी शर्ट से। तो ये पहली एक्सरसाइज थी हमारी। सेकंड वाली एक्सरसाइज हमारी, देखिए बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। एक पैर आगे करिए, एक पैर पीछे, सेम पेन आपको हो रहा है, ठीक है, और ये अपनी एड़ियों को उठा लो, जितना खींच सकते हो उतना खींचिए और यहां पर होल्ड कर दीजिए आप। दर्द हो रहा होगा, दर्द थोड़ा सह लीजिएगा, पर यह आराम देगा आपको, बहुत आराम मिलेगा आपको, 100% रिजल्ट मिलेगा इसमें। 10 से 15 सेकंड का होल्ड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 से 15 सेकंड का होल्ड करेंगे और 2 से 3 बार करिएगा तब भी ठीक रहेगा आपको। तो ये दूसरा बैग हमें चेंज करना है आपस में, तो ये दूसरा करके ये उठा लीजिए आप ये हो, जितना होल्ड करेंगे आप उतना ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये होल्ड करेंगे, थर्ड वाली जो एक्सरसाइज हमारी है, आप सीधे खड़े हो जाइए, ठीक है। सबसे पहले अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचिए, ये होल्ड करिए, ऐसे बैलेंस बनाइए और होल्ड करके रखिए, थोड़ा कुछ सहारा हो, जैसे पेड़ है हमारे पास तो हम पेड़ का या फिर कुछ भी ले सकते हैं सहारा, तो ये पेड़ का सहारा लेके आप ये कोशिश करिएगा, ये आपके पंजे खींचे रहे और ये वाला पूरा लेग स्ट्रेट रहे, ये हो जाएगा आपका। इसी में जो सेकंड एक्सरसाइज है इसी के ही, वो आप सीधे रहिए और दोनों एड़ियों को ऊपर की तरफ ये उठा लीजिए और होल्ड करिए, जितना आप होल्ड करेंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसमें काफी आराम मिलेगा आपको, 100% रिजल्ट मिलेगा। दर्द से छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये सारी एक्सरसाइज, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है, आपको मैं बताता हूँ। पैर ऐसे खड़े हो जाइए सीधे, सीधे खड़े होने के बाद अपने जो पंजों का जो अंगूठा है ये चीज़, ये सिर्फ मोड़ना है, ठीक है, ये जितना खींच के रखो फिर रिलीज,
फिर खींचो, फिर रिलीज, ऐसे ही सेकंड पैर का, और सारी उंगलियों का खेल है। आप उंगलियां दबाएंगे ऐसे ना तो जोर यहीं पड़ेगा आपको, तो इससे रिलीज होगा। इसके अलावा जो एक और एक्सरसाइज ऐड करूँगा वो देखिए, बहुत सिंपल है। अपने पंजों को सीधा रखिए और कोशिश करिए उठा लीजिए, सिर्फ ये देख रहे हैं, बहुत ईजी ये चीज़ है। होल्ड करिए, रख दीजिए, फिर होल्ड करिए, दूसरे पैर का भी सेम, उठाइए उंगलियाँ और होल्ड करिए, थोड़ा सा होल्ड, फिर रख दीजिए, फिर होल्ड। ये सारी आप एक्सरसाइज करिए। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, थारा बैंड से एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी थारा बैंड है ये, ठीक है, इससे हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। देखिए सीन पेन के लिए आप बैठ जाइए, एक पैर में ऐसे फंसा दीजिए, थारा बैंड हो, कपड़ा हो जो थोड़ा स्ट्रेच वाला हो, या फिर आप ट्यूब वगैरह ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज आप देखिए, ये अपने पैर को खींचिए, ठीक है, खींचने के बाद जितना आप खींच सकते हैं, इतना नहीं कि फोर्स, थोड़ा फोर्स लगा लीजिए, अच्छा खासा फोर्स होना चाहिए। फोर्स खींचने के बाद अपने पंजे को धकेलना है आगे की तरफ, देखिए जितना धकेल पाएंगे आप धकेलिए, इससे आपका ये वाला हिस्सा आपको आराम, इसी यही असर पड़ेगा इसको, तो आप खींचिए, करते रहिए, होल्ड फिर रिलीज, ठीक है, फिर होल्ड फिर रिलीज। ये सारी एक्सरसाइज हैं। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ही मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी। तो ये आप ऐसे पकड़ लीजिए, कोई सहारा हो या किसी से बांध दीजिए, ये हमारा कैमरा मैन ही है, इसको भी हम दे रखा है। तो ये हिस्सा वो खींचेंगे, ये खींचेंगे, और हमें सिर्फ ये पंजा हमें होल्ड, यहाँ होल्ड करके रखना है, जितना खींच सकते हैं खींच लीजिए, और आप होल्ड करके रखिए 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करिए, फिर रिलीज कर दीजिए, फिर आराम हो जाएगा। जो हमारी अगली एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है, आप देखिए बैठ जाइए और अपने पैर को देखिए, ये रखिए, उठा के रखिए, अपनी उंगलियों को उठा के और इस पर प्रेस करिए, इतना आप प्रेस करेंगे आपका जो दबाव है वो सीन पेन पर ही आएगा, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। देखिए ये चीज़ कुछ 15 सेकंड की 10 सेकंड की होल्ड करिए, 3 से 4 बार करिए और आराम करिए, ठीक है। इससे अगले जो एक्सरसाइज है इसी में हमारी, एक देखिए ये अपने पंजे ऐसे कर लीजिए, इस पर दबाव डालिए, ये सेम एक्सरसाइज आपको सीन पेन में बहुत मदद करेगी, तो ये सारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक एक्सरसाइज और है जो मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए यहाँ हाथ रखिए, कोशिश करिए अपने घुटने को उठाने की, ये घुटने उठेंगे इतने, सारा स्ट्रेस जो आपका है सीन पेन पर ही जाएगा, इससे आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेगा और काफ़ी आराम भी मिल जाएगा आपका, दोबारा आपको दर्द नहीं होगा। आप एक बार करिए सारी एक्सरसाइज, आपको आराम मिलेगा, आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेगा और काफ़ी आपको आराम मिलेगा। सीन पेन में बहुत सारी एक्सरसाइज भी हैं, और जो मैंने बताई हैं बहुत बेस्ट एक्सरसाइज बताई हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। और बर्फ़ की शिकायत ज़रूर करिए, उससे आपको, जैसे आपको पेन होता है अगर रनिंग करते टाइम, तो बर्फ़ रखिए अपने, आइस क्यूब वगैरह मिल जाता है, टिफिन होता है थोड़ा उसमें रखिए, और अपने आइस क्यूब से अपना ठंडा इसे सुन कर दीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ये सारी एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में ऐड करिए धीरे धीरे, और स्ट्रांग होता रहेगा और आपका पैर भी स्ट्रांग रहेगा, और आपकी जंप हो गई, रनिंग हो गई, स्प्रिंट हो गई, या फिर हाई जंप हो गई, सारा क्लियर होता जाएगा। तो बेझिझक होकर ट्रेनिंग करिए, धूप बहुत ज़्यादा है, नींबू पानी में लाया हो, देखिए नींबू पानी ज़रूर पीजिएगा, और जो नॉर्मल पानी है वो ही पीजिएगा। तो ध्यान रखिए अपना, और अगली वीडियो आती रहेगी, और दोबारा से आपका तहे दिल से धन्यवाद 1K के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार भाइयों।